तो फ्रेंड्स हम लोग रानी की वाव के पास आज आए हैं। यहाँ सामने से टिकट ले लेंगे। भारतीयों के लिए 40 रुपया और विदेशियों के लिए 600 रुपया है। यहाँ देखिए पत्थर पे वाव के बारे में बताया गया है, पढ़ सकते हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स यही वाव है। 2018 में इसी फोटो को RBI द्वारा 100 के नए वाले नोट पर प्रिंट किया गया है, देख सकते हैं इधर से। कहते हैं कि इस रानी की वाव को 1063 ईस्वी में सोलंकी शासन के राजा भीमदेव प्रथम के याद में उनकी पत्नी रानी उदयमती ने बनवाई थी। इसमें सरस्वती नदी के जल के कारण गाद भर गया था, जिससे यह करीब 7 शताब्दी तक दबी हुई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वे ने वापस खोजा। 1940 में खुदाई शुरू कर दिया गया और 1986 में इसकी खुदाई पूरा करके इसे रिस्टोर किया गया। जून 2014 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल कर लिया गया है। लगभग यहाँ पे हजारों की संख्या में मूर्तियाँ हैं दीवारों पे और पिलरों पे, जो कि उस समय के कलाकारी को दर्शाता है। जैसा कि ताजमहल के बारे में सब लोग जानते हैं कि पत्नी के स्मृति में बनवाया गया था, लेकिन इसे रानी उदयमती अपने पति के मरने उपरांत उनके स्मृति में बनवाई थी। जमीन में दबे होने के कारण इसे के बारे में लोग नहीं जानते थे। फ्रेंड्स यह वाव गुजरात के पाटन डिस्ट्रिक्ट में है। जो इतिहास प्रेमी लोग हैं वह इसे देखने आ सकते हैं यहाँ पर। पीछे के साइड से कुछ इस तरह का दिखता है। यहाँ पे कुआं है, कुआं के पास आगे के साइड से नहीं आ सकते थे, इसलिए यहाँ से आकर के देखे हैं। कुआं के अंदर भी बहुत सारा मूर्ति हैं, लेकिन दिखाई नहीं पड़ता इधर से। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। कोशिश रहेगी कि और भी ऐसा वीडियो लाते रहें।